दिव्या अग्रवाल एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कोविड का कहर बहुत क्लोजली देखा है। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में अपने फादर को खो दिया था कोविड के हाथों ही। ऐसे में जिन लोगों ने कोविड के कहर को बहुत क्लोजली देखा है, तो वो लोगों की मुश्किलें जो इस समय पर चल रही हैं वो समझ पा रहे हैं। ऐसे में दिव्या अग्रवाल आई लाइव, उन्होंने अपने फैंस से किया इंटरेक्ट और कहा कि इस समय पर हम सभी को साथ आना है और उन सभी लोगों की मदद करनी है जिनको हमारी जरूरत है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। पहले तो दिव्या अग्रवाल खोई हुई थी अपनी वेकेशन करने में, लेकिन देर से ये सही दिव्या अग्रवाल जागी हैं और उन्होंने वो चीज फील की है जो शायद लास्ट लॉकडाउन की फीलिंग उन्होंने बहुत क्लोजली देखी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने फादर को खो दिया था और अगर आप जानते हो उस समय का टाइम उनके लिए कितना पैनिक भरा था। वो रो रो के सबसे अपील कर रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे फादर की रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं ये लोग, मेरे फादर की केयर नहीं हो रही है प्रॉपरली, और ऐसी कई सारी अपील्स उन्होंने अपनी ऑडियंस से लगाई थी। इस बार उन्होंने अपने फैंस से एक बार फिर से दरखास्त की है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग ये 2.2 मिलियन फैमिली, स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं इंस्टाग्राम पर, तो दूसरों की मदद के लिए सामने आते हैं, दूसरे लोगों की मदद के लिए जो है अपनी आवाज उठाते हैं, लोगों को वेरीफाइड सोर्सेस बताते हैं जहां पर वो सारी चीजें पता कर सकते हैं, चाहे फिर उनके कोविड के लिए बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, या जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हो जो उनको चाहिए हो, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं ताकि उन तक हम लोग अच्छे से वो सारी चीजें पहुंचा पाए जिसके लिए वो लोग वेट कर रहे हैं, जिसकी नीड में है। उन्होंने इसी के साथ सारे इन्फ्लुएंसर्स से भी ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप लोग कोई चीज रीशेयर कर रहे हैं या फिर कोई रिसोर्सेज की अपडेट दे रहे हैं, तो प्लीज उसको एक अपने एंड से कंफर्मेशन जरूर दीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या होता है, कई बार हम लोग चीजें शेयर कर देते हैं बट वी आर नॉट कंफर्म अबाउट इट, और उसके बाद फिर जब वो सामने वाला इंसान उस नंबर पे कॉल करता है एंड ही कम्स आउट विदाउट होप, क्योंकि वहां पे वो चीज नहीं अवेलेबल होती है, तो उसमें पैनिक और ज्यादा क्रिएट हो जाता है। इसलिए सामने वाले इंसान की कंडीशन समझे, शायद उनके पास इतना टाइम ही ना हो कि वो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्राई करके वो एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट ढूंढ पाए जो कंफर्म लीड हो। इससे बेटर है कि हम लोग अपने एंड से घरों पर बैठे बैठे बस कुछ कॉन्टैक्ट्स वेरीफाई करके सामने लोगों तक पहुंचाए जिनको जरूरत है। ऐसे में दिव्या अग्रवाल ने अपने सारे फैंस से, सारे सपोर्टर्स से ये मदद मांगी है कि आप लोग जो है वेरीफाई करके ही लीड्स को आगे फॉरवर्ड करें और इस समय पर अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आएं। क्या कहना चाहेंगे आप दिव्या अग्रवाल की इस मूवमेंट के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में? जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।